सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चंस कुछ आज थोड़ा उसे हायर लेवल क्वेश्चंस बताएंगे, उसके बाद तो मुझे कुछ नहीं ज्यादा कराना है, बस यही है मेन। इसमें तो ज्यादा नहीं है ना, एक ही टॉपिक पे ऑलमोस्ट जितना क्वेश्चन था फॉर्मूला उस पर बेस्ड हुआ, हम बता चुके हैं। एक लास्ट वाला जो पार्शियल है वो, या फिर थोड़ा उससे टफ लेवल का क्वेश्चन जो सिंपल ऐसे नहीं बताया सब कुछ, उस तरह का क्वेश्चन बताएं। देखो तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट on a certain amount has interest rate has its interest rate raised 1/9 of the sum. If the numbers representing rate percent and time in year is equal and time in year is equal, then the rate of interest is क्या होगा? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे, क्या होगा देखो जरा। बताओ समझ आया, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? क्वेश्चन समझ में आया तो आंसर आ जाएगा। देखो कोई सर्टेन सम ऑफ अमाउंट कहीं भी बोल दे, क्या लिखा है सर्टेन सम ऑफ अमाउंट, कुछ ऐसा वर्ड अगर बोलता है तो समझ लो कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एसआई दोनों की बात कर रहा है, ठीक है, या फिर ऑन अ सर्टेन अमाउंट, दोनों में टर्म समझिएगा। ऑन अ सर्टेन अमाउंट का मतलब सिंपली अमाउंट, ऑनी अमाउंट का मतलब हुआ एक पैसा है, उस पैसा का इंटरेस्ट रेट इतना है। तो यहाँ पे पैसा कुछ भी बोल दिया, कोई सर्टेन अमाउंट मतलब अमाउंट अननोन, सो पी इज इक्वल टू एक्स मान सकते हो। इंटरेस्ट रेट बोल रहा है, परसेंटेज में नहीं बता रहा है, 1/9 मतलब अगर आर की बात करें इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज एक्स बाई नाइन, ठीक है, आर जो है वो इंटरेस्ट रेट है, यही आपका एसआई की तरह है, इसको इस तरह से लिखो। और या फिर अब नेक्स्ट टर्म जो आ जाता है वो टाइम इज आर, क्योंकि लिखा है क्या लास्ट में देखो, जो रेट है रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट रेट एंड टाइम इन ईयर आर इक्वल, मतलब जितना समय दिया जा रहा है वो और टाइम जो है वो ईयर में है, महीना मतलब 10 साल, 2 महीने, 4 महीने, इस तरह का टर्म नहीं है,
पूरा का पूरा साल ही है, जो इंटरेस्ट रेट है वही टाइम है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो सिंपली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, C into R into T, यही लिखते हो ना, P into R into T, और T जो है वो क्या है, R के बराबर है, because R and T are equal, this whole term divided by 100, और T जो है वो क्या है, X, अब R का क्या वैल्यू है, वो रिप्लेस करके वैल्यूज लिखोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो P को X लिखिएगा, R को X by 9 लिखिएगा, टाइम को भी वही चीज लिखेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। बताओ अब आंसर सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन है, ये एक्स बाई नाइन है, एस आई है ना, एस आई, चलो बताओ ऑनलाइन में जुड़ो क्या आंसर बताइए तो जुड़ाओ, कैलकुलेट करके जल्दी से। बीमार का वैल्यू एक्स बाय नाइन ऐसा ही करेंगे, एक्स का वैल्यू ऐसा ही का वैल्यू एक्स बाय नाइन, आर का वैल्यू ही निकालना है ना, आर ही तुमको निकालना है। एक चीज पहले सुनिए क्या है, जितना पैसा आप लगाए हैं वो ये है, इस पैसे पे जो इंटरेस्ट मिला है वो ये है, टाइम और रेट बराबर है, ये टी इज इक्वल टू आर। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी, तो आर और टी चूंकि बराबर है तो आर आर लिखो या टी टी लिखो एक ही बात है, लेकिन तुमको निकालना है आर, तो आर ही लिख लो। अब ये जो टर्म है, ये एसआई जो है वो एक्स बाई नाइन हो गया, पी जो है वो एक्स हो गया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 100x is equal to, ये टर्म उधर चला जाएगा, 9 into x into r square होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 into x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 into x, 9 into x और r into r, r square, ये टर्म इधर ले आइए, तो r square is equal to 100x by 9x, x, x cancels, so r square is equal to under root 100 by 9, इसको अगर रूट घटाएंगे तो 100 का रूट आपको पता है 10 होता है, 9 का रूट 3 होता है, तो r square is equal to, r square is equal to 10 by 3 नहीं हो जाएगा, r is equal to हो जाएगा, ये अंडर रूट हटा दिए ना, r is equal to 10 by 3, so 10 by 3 को r is equal to ये भी लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 into 1 by 3, ये परसेंट होगा, समझ में आया कुछ? मतलब इंटरेस्ट रेट 3 into 10 by 3 परसेंट है, और अगर बोला जाए ईयर टाइम कितना लग रहा है, तो 3 साल और 4 महीने, ठीक है, ईयर में बोलिएगा तब भी, परसेंट में बोलिएगा तब भी, दोनों का वैल्यू दिया। चलो अच्छी बात है, हो गया, करो इसको, फिर बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन और है सर में, लिखो सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट इज, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट इज 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो है ना वो हो जाएगा 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट पी, ठीक है। Then find the time, और ये सब सब इक्वल है, then find the time in years, बस इतना ही चेंज आया है, सेम क्वेश्चन है बस ये वैल्यूज बदल दिया है, 9/16 कर दिया है प्रिंसिपल अमाउंट का जो एस आई है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट एक्स ही रहेगा, एस आई जो हो जाएगा 9/16, टाइम एंड इंटरेस्ट जो भी है रेट आर इक्वल, सॉल्यूशन निकालना है, अब सेम प्रोसेस के थ्रू करना है, करो तो जरा, बस तुम आर को यहाँ टी से रिप्लेस कर देना क्योंकि टाइम निकालना है, वैसे जो भी निकालोगे आंसर दोनों का सेम ही होगा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, टाइम भी लिखिएगा तो वही आंसर आएगा, रेट भी लिखिएगा तब भी वही आंसर आएगा। देखो कुछ जो प्रोसेस किया हुआ है ना बस उसको वैल्यूज इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटू आर इंटू आर या फिर टी इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 जो रहेगा वही रहेगा, सब कुछ वही है। तो 100 इंटू ये बस 9/16 हो जाएगा, ये 9/16 हो गया, चेंजेस कर दीजिए, ये 900 हो जाएगा, 16x यहाँ x भी नहीं है, यहाँ 900 हो गया, यहाँ x लिख सकते हो उसके साथ एक टर्म 9/16x प्लस x, यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू x r स्क्वायर, इज इट इज सारा मैच करो, कोई दिक्कत नहीं, टी स्क्वायर लिखो या आर स्क्वायर लिखो दोनों का आंसर तो सही नहीं आ रहा है, एक को तुम परसेंटेज बोलोगे एक को तुम टाइम बोलोगे, और कोई शेष तो दिखेगा नहीं आपको, आ गया आंसर, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, 16900 है कोई दिक्कत ही नहीं है, 930 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है तो 30/4 आ जाएगा, सारे 34/7/4/28 कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेटर नहीं, इसके लिए कैलकुलेटर क्या जरूरत है, r स्क्वायर जो भी आप लिखना है, डी स्क्वायर लिखा है ना तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, ये 900 इधर है उधर जा रहा है, मतलब 900/16 खत्म। अब इसमें स्क्वायर करने का सबक क्या है, आप सिंपली इसको लिख सकते हैं अंडर रूट करिएगा तो ठीक, अंडर रूट करो 900 किसका स्क्वायर है 30 का, कैलकुलेटर इस्तेमाल करिएगा तो हो गया, कहा नहीं खत्म है भी नहीं, बोलो क्या आया, 7/4 28 तो 7 आ जाएगा, बचेगा 2 2/4 2/4 को आपस में कैंसिल कर सकती है, तो 7 × 1/2 दिस ईयर मतलब 7 साल 6 महीने, ये 6 महीने के जो में
12 बटा 2 12 इंटू 1 बाई 2 1 बाई 3 है ऊपर था इसके पहले वाला आंसर तो 12 इंटू 1 बाई 3 4 मंथ दैट्स इट ठीक है हो गया मतलब अगर टाइम और रेट बराबर हो सिंपल इंटरेस्ट गिवन हो प्रिंसिपल अमाउंट गिवन नहीं भी हो तब भी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो अब अगर यहां से तुमको टाइम पता चल गया है यहां से तुमको इंटरेस्ट रेट का एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है क्या पता है इस रेशियो में प्रॉफिट हो रहा है तो तुम चाहो तो वो टाइम और ईयर यहाँ डाल के एग्जैक्ट अमाउंट भी पता कर सकते हो है ना किया जा सकता है क्योंकि ऐसा ही तुमको पता है ये वैल्यूज निकाल डालिएगा ना वैल्यू सारा तो आपको निकल जाएगा जैसे मान लो इतना टी पता है ऐसा ही का वैल्यू क्या है पी आर टी डिवाइडेड बाई 100 निकालते हैं ऐसा ही का एक फॉर्मूला ये भी है 100 इंटू ए डिवाइडेड बाई पी टी मतलब आर इंटू टी फिर 100 ये वाला टर्म भी है सारा फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो अमाउंट में पता चल जाएगा लेकिन वो करना रहेगा तो मैं इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था अगर रहेगा तो वो भी निकाल सकते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो एक और लिखिए दूसरा क्वेश्चन ये है A lends 2500 to B. A lends में पैसा rent वो देना उधार देना. A lends 2500 to B. And a certain sum to C. मतलब A जो है B को भी पैसा दिया और C को भी दिया. At the same time, एक ही टाइम में दे रहा है. At interest at 7% per annum simple interest. समझ आया क्या लिखे हैं 7% पर एनम एसआई सिंपल इंटरेस्ट ठीक है इफ आफ्टर फोर इयर्स ए ऑल टुगेदर altogether receives rupees 1120 as interest from B and C then The sum lent to C is ये बता रहा है ठीक है अब क्वेश्चन को समझो क्या क्या है कोई एक इंसान को ए जो है ए पैसा दे रहा है दो लोगों को ठीक है ए लेंड्स दिस रुपीज टू बी ये बता दिया 2500 रुपया बी को दिया है लेकिन सर्टेन सम ऑफ सी अमाउंट टू सी लेकिन सी को भी दिया है बट सी को कितना पैसा दिया है ये नहीं बताया गया साथ में ये बता रहा है दोनों को सेम टाइम पे दिया गया है सेम टाइम और इंटरेस्ट रेट जो है वो भी सेम है मतलब 7% है इसको भी उतने ही समय के लिए दिया है उसको भी उतने ही समय के लिए दिया है
इसका भी इंटरेस्ट रेट 7% है, उसका भी इंटरेस्ट रेट 7% है। चार साल बाद आफ्टर 4 इयर्स ए को दोनों का मिला के, मतलब बी और सी दोनों को पैसा दिया था, दोनों को मिला के इंटरेस्ट रेट इतना मिला है, इंटरेस्ट का पैसा, ये इंटरेस्ट का पैसा है, एक्चुअल अमाउंट इसका ये है, तो ये तो मिलेगा लेकिन इंटरेस्ट का पैसा उतना मिला है दोनों का मिलाकर, ठीक है। तो बी तो सी को कितना पैसा दिया था ये पूछा गया, जो वहां नहीं बताया गया था वो कितना मिलेगा ये बताया गया। बताओ कैसे निकालेंगे इसको, बताओ। खैर बताइए क्या हुआ, किसी को कुछ पैसा दिया गया है ना इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, इंटरेस्ट का पैसा यही है, फॉर्मूला यही है। पी यहाँ पे बता पता है आपको, आर पता है, टाइम भी पता है बिकॉज 4 इयर्स की बात कर रहा है, तो ये पैसा जो है वो किसको मिला है, बी को जो इंटरेस्ट दिया है ना, बी का इंटरेस्ट रेट इससे मिल जाएगा, ठीक है, बी का टोटल इंटरेस्ट इससे मिल जाएगा, लेकिन दोनों का मिला के 1120 है, मतलब ये है कि आपको जो पैसा टोटल 1120 रुपए मिले हैं दैट इज इक्वल टू जो इंटरेस्ट रेट एस आई ऑफ बी प्लस एस आई ऑफ सी दोनों का पैसा मिलाकर इतना मिला है। ये तो तुम यहां से निकाल लोगे क्योंकि 2500 ये भी पता है तुम्हें, आर पता है 7%, टाइम पता है 4 ईयर, 100 ये भी पता है, सारा वैल्यू तुमको पता है इसका, इसका भी पता है ऑलमोस्ट सारा चीज, 100 ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, आर पता है, टी पता है, पी नहीं पता है, तो इस पी को एक्स मान के सारा वैल्यू कैलकुलेट करवा जाएगा, है ना, करके देखो। जो जो लिखा हुआ है उसी स्टेप पे बस फॉलो करो, आ जाएगा। मैथमेटिक्स वो बताने का जानने का तरीका है जो आपको नहीं पता है, और वो भी एक्यूरेटली। किसको कितना पैसा दिया है नहीं दिया है नहीं पता, मतलब हमको एक भी चीज अगर उसके बारे में है तो वो हम बता सकते हैं कि कितना पैसा मिला होगा, है कि नहीं। इसका 7 निकला है, 7 रुपीज तो नहीं, इसका कैलकुलेशन में भी कुछ फैल आया होगा, मैंने यहाँ पे एक से बनाया है, तो इसको बस चार चार पांच सात छः सात आठ नौ सर बनाया जाता है, हाँ पी 25 में लिखो, 2500 लिखो है ना, 700 हो जाए, 700 हो गया, 700 रुपया इंटरेस्ट दिया है ये पी दिया है, अब 700 रुपया इंटरेस्ट पी का है, सी का कितना होगा, तो सी में आपको बाकी एक्स नहीं पता है, तो यहाँ पैसे करिए दिस टर्म प्लस 320 लगा देंगे, तो वो इंटरेस्ट कितना दिया है वो पता चल रहा है ना, तो उससे कर सकते हो 420 डायरेक्टली पता कर लो, तो यहाँ पे आपको सी का इंटरेस्ट क्या होगा, सी का जो इंटरेस्ट है
सी का क्या होगा? पी एक्स नहीं पता, आर पता है चार सात सात साल पचास साल और ये सौ पता है, ये तुमको अभी जस्ट कैलकुलेशन से पता चलेगा ये क्या है 420, इसको हटाओ 420 कर दो, कैलकुलेशन से एक्स पता कर लो, इतना पैसा दिया था ये पता चलता है, है ना? समझ आया? हमको पता वही करना है उसका इंटरेस्ट कितना है ये नहीं पता करना है, हमें ये पता करना है कि उसको कितना पैसा दिया गया था जिसका वो इंटरेस्ट उतना दे रहा है। चलो ये तो तुम बना लिए हो 2500 × 4 × 7, आप इसको हंड्रेड करेंगे, हंड्रेड ये कैंसिल हो जाएगा 4 × 25 और 25 से ही अगर हम चाहें तो इसको हम कैंसिल कर रहे हैं 100 टाइम्स 7 × 100 ये 700 हो, अब ये 700 है ये 1120 है प्लस ये वाला टर्म, तो इसमें x जो कि अननोन वैल्यू है into r that is 7 into 4 that is 5 and this is 100, तो इससे तो कैलकुलेशन में ये तो आपके पास आ जाएगा 25, so x into 7/25 इतना आपको ऑलरेडी पता है, ये इधर पे दो बचा क्या 420, 700 हटा इसमें से मतलब आप पूरा का पूरा टर्म लिखेंगे तो 1120 − 700 एंड दिस होल टर्म इज इक्वल टू x into 7/25, सही है ना? ये हो गया 420 and that is equal to x into 7/25, अब इस 25 को इधर ले आइए, 7 को यहां कर लीजिए तो आपके पास जो वैल्यू होगा यहाँ लिख देते हैं 420 × ये टर्म इधर आएगा तो 25 हो जाएगा और ये 7 जो है वो डिविजन में चला जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू यस x का वैल्यू निकाल लो, है ना? क्या यहां से तुम निकालो या फिर अलग से वैसे कैलकुलेट कर लो, तो इसका सॉल्यूशन निकालिए, हम 7 से कैंसिल होगा, 7 से पता है आपको 7 × 6 = 42 तो 60 7 × 60 तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा, कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं, फोन तोड़ देंगे फिर हम और फाइन भी तुम ही चलेंगे, डबल लॉस। बताइए 427 कैंसिलेशन, अच्छा 46 हिंदी का पहाड़ा तो आता है ना, इतना नहीं आता है हमको, 1, 2, 1, 2 जो भी आता है उससे करो, 7 × 6 = 42 0 × 60 = 62 25 × 6 जा क्या होगा 25 × 100 क्या होगा 50 150, so 150 और उसपे एक जीरो और आ गया, 1500 रुपया दिया था। सेम सिंपल सेम क्वेश्चन आंसर निकालेंगे, हाँ तो ठीक है, तो हम कहाँ बोल रहे हैं गलत आंसर तुम निकाले, तुमको हम वो कैलकुलेट करके देखे दिए दिए थे ना, तो तुम क्या किए हो ये सॉल्व तो 420 लेके उसके बाद सिंपलीफाई किए, तुम इतना क्वेश्चन सिंपलीफाई किए, देखो चेक करो यहाँ पे कुछ नहीं किया होगा, तो यहाँ 4 किए हो यहाँ 100 किए हो, बोलो इसी का सॉल्यूशन साइड में लिखे हो ना, देखो वही तो हम करके अब तो तुम्हारी कॉपी में वो लिख के आए थे ना, ये पोर्शन इसको 4 से हम कैंसिल कर दिए, 25 ला दिए थे, ना तो कर सकते हैं, ना तो कर सकते हाँ, तो आप उसको अलग ब्रेक करके सॉल्व करिए या फिर पूरे इस प्रोसेस में सॉल्व करिए, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है, तो वो सिंपल तुमको वहां लग रहा है ना, उसके पहले तुम इतना सॉल्यूशन इधर भी तो किए हो, टाइम लगा है ना उसमें, मैंने क्या किया वो सारा स्टेप एक ही स्टेप में फॉलो कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक में वो खत्म पूरा हो गया, तुमने क्या किया फर्स्ट पार्ट इतने को सॉल्व करके ये लाए हो जिसके लिए उतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन निकाले, फिर इसमें से इसको घटा के फिर इस टर्म को तुम इक्वेट किए हो साइड से अलग में, तो ज्यादा टाइम लग गया कैलकुलेशन करने के लिए, और इसमें क्या हो गया
इसका सिंपल इंटरेस्ट प्लस उसका सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, ये सॉल्यूशन यहाँ निकालिए, इसी में 700 घटा दिए, यही पे सॉल्यूशन है वो दूसरे पार्ट में, और कोई मतलब नहीं है, आंसर अलग नहीं आएगा, तरीका कोई भी आप अप्लाई करिए आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चलो लिखो तो जरा, एक और क्वेश्चन हो गया, ये लिखिए दूसरा, एक क्वेश्चन लिखिए जरा। If a simple interest on a certain sum If the simple interest को हम आगे ऐसा ही लिखते हैं, on a certain sum for 15 months at 7 × 1/2% per annum exceeds the SI on the same amount same sum for 8 months at 12.1/2% per annum by ₹32.50. Then the sum is. देखिए क्या है, समझिए तो जरा, मुझे बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? देखो जरा, पहले ये बताइए क्वेश्चन समझ में आया नहीं, उसके बाद सॉल्यूशन करिए। नहीं, देखो पहले तो फर्स्ट लाइन पढ़ो, इफ द एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट, कुछ पैसा है, क्या है नहीं पता, सर्टेन अमाउंट कुछ भी डाल दिया, दैट मींस दैट इज अननोन। 15 महीने हां कुछ तो है, कितना? हाँ, क्या बोल रहे हो अंकित? एसआई जो है वो 15 महीने की बात कर रहा है, पूरा साल इंटरेस्ट रेट दिया है पर एनम, मतलब एक साल का इंटरेस्ट रेट वो है, लेकिन आप 15 मंथ का कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह ये जो इंटरेस्ट रेट है 12.1/2% वो 8 मंथ के लिए दिया गया है, ठीक है। इन दोनों का जो चेंज आया है वो इतना है 32.50, देन द सम इज, जो अमाउंट है वो कितना होगा, मतलब देखो क्या किया गया है, कभी कभी होता है ना बैंक में पैसा जमा किए इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है, तो शुरुआत में T1 जो टाइम है वो 15 महीने है, 15 मंथ। सिमिलरली T2 टाइम दे दिया ना, वो 8 मंथ है। जो इंटरेस्ट रेट है R, R1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो 7 × 1/2% है, ठीक है। R2 जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज हो गया, कभी कभी बैंक में पैसा रखा रखा होता है कि नया रेगुलेशन आया और इंटरेस्ट रेट कभी कम कर देता है, कभी बढ़ा देता है, वैसे ही यहाँ पे 12.1/2% हो गया इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब इन दोनों का जो गैप है वो ये दिया है, तो वो अमाउंट कितना है, और टाइम अगर 15 मिनट, मतलब सॉरी 15 मंथ की बात कर रहा है,
तो आप इसको 15 मंथ का ऐसे रख सकते हैं, ईयर में अगर कन्वर्ट करना है तो 15 मंथ की बात कर रहा है, तो 15 मंथ का ये इंटरेस्ट रेट है, लेकिन जो ये दिया हुआ है वो एक साल का दिया हुआ है, मतलब 12 महीने का दिया है, तो 15 महीने का कितना होगा? तो 12 महीने का इंटरेस्ट रेट ये है, तो 15 महीने का कितना होगा, ये चीज आपको कैलकुलेट करना यूनिटरी मेथड से, फिर सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 32.50, मतलब 32 रुपए का डिफरेंस है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है यहाँ पे सम परसेंट। बताओ क्या करोगे? 8 मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते करेंगे? मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे विश्वजी, तुम बताओ तो? बोलो, मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बताइए? नहीं बता सकते हो? बहुत आसान, मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि आंसर नहीं पता है? क्वेश्चन समझने में तो कोई मुश्किल सवाल हम पूछे नहीं है। कैमरा माइक सब बंद करके बैठ जाओ। नहीं पता, 12 से डिवाइड कर दो सर। मैम 12 से डिवाइड करना है। तो टाइम को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है देन यू कैन राइट 15 डिवाइडेड बाय 12, उसको 3 से कैंसिल करो, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12, सो 5 by 4। अब इसको टाइम लिख सकते हो, इसको भी 8 मंथ है तो 8 बाय 12 कर लो, 8 बाय 12 मतलब कैंसिल करिएगा तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 बाय 3 है ना, 4 3 4 2 4 3 हो गया, इतना काम खत्म। अब आपको बोला क्या गया है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 32.5 है, तो फिर अमाउंट कितना होगा, ये क्वेश्चन है। चलो बनेगा या नहीं बनेगा ये बताओ पहले, वैष्णवी बन जाएगा? बताओ बताओ जल्दी, हम लोग को कंपनी का फायदा नुकसान कैसे समझ में आएगा, हमको ये नहीं पता चल रहा है। कंपनी का फायदा नुकसान कैसे पता चलेगा जब पैसा टाइम का कुछ रिलेशन ही नहीं समझ में आएगा, तो पता चलेगा कुछ भी फायदा नुकसान? बताइए पता चलेगा? कब पढ़ोगे? अगले साल या फिर काम वाम करके सब पूरा कंपनी को चार डुबा देने के बाद? देखो जाहिर सी बात है, एक ही पैसा हम एक्स ले रहे हैं यहाँ, एक्स पैसा ले रहे हैं यहाँ, इस पैसे को हम इतने समय के लिए इस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, इसी पैसे को हम इतने समय के लिए इस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, देन द डिफरेंस बिटवीन देम इज दिस। 32 रुपए का फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन ये फायदा अगर सिर्फ रुपीज की बात करें बहुत कम डिफरेंस का पैसा होगा। अगर यही बहुत ज्यादा पैसा 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 की बात हो तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो इसी अमाउंट को जब इस इंटरेस्ट रेट पे दिया गया और जब इस इंटरेस्ट रेट पे दिया गया तो ये डिफरेंस है, मतलब सिंपल सा बात है, इस एक्स को आपको SI, ये डिफरेंस SI का है, मतलब SI ऑफ दिस अमाउंट एंड SI ऑफ दिस अमाउंट का जो डिफरेंस है, जो भी आप लिखेंगे
दिस डिफरेंस इज 32.50। इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा? पी आर टी, तो पी इज एक्स बिकॉज दैट इज अननोन, आर इज व्हाट, दिस टर्म, इसको क्या लिखोगे? 7 × 2 = 14 एंड 1 = 15 बाय 2 लिख सकते हैं ना, इनटू, तो ये क्या हो गया, पी इंटू आर इंटू टी, टी इज 5/4 एंड दिस होल टर्म इज बीइंग डिवाइडेड बाय 100, पी आर टी बाय 100, ये इसका एसआई हो गया। माइनस इसका एसआई करोगे तो इसका भी पी वही है, अमाउंट सेम है, इंटरेस्ट रेट और टाइम अलग है, इसलिए पैसा अलग अलग आ रहा है। तो ये टर्म हो गया, आर क्या है 2/3 डाल दो टाइम है, ये जो टर्म आया वो आपका 25/2 हो जाएगा, दिस होल टर्म इज बीइंग डिवाइडेड बाय 100 एंड द डिफरेंस इज 32.50। ठीक है, ये टर्म कैसे कैंसिल हो जाएगा, दोनों में कॉमन है हटा दो, ये कैलकुलेशन आपको करना है। अब ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो ये टर्म देखिए सिंप्लीफाई करिए, ये टर्म सिंप्लीफाई करिए, दोनों का डिफरेंस है, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल देना है, बस इतना ही करना है। चलो इसको हम यहाँ इस वाले पार्ट में कर देते हैं। सो एक्स इंटू 15/5 सो यहाँ पे हो जाएगा 15/5 = 75 x divided by 4 × 2 = 8 minus 25 × 2 = 50 divided by 6 and this is equal to 32.5। फोन कर क्या हुआ, क्या बोल रहा था, फोन कर ठीक है, सॉल्यूशन यही आएगा, देखो क्या आता है उसका कैलकुलेशन कर लो। सॉरी एक मिनट, कैलकुलेशन करना है ना यहाँ पे, ये 100 100 है ना, तो ये इक्वल टू उधर जा ही आए, तो कैलकुलेशन कैंसिल क्यों करोगे, ये मल्टीप्लाई करके 2 0 इसका दे दो तो ये खत्म हो जाएगा 32.5 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करो, है ना, 2 0 इधर आ जाएगा, तो ये कितना निकलेगा, हाँ क्या ये फिर हाँ वो नीचे 15/2 = 5/4 यहाँ 100 था, वो 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया ना, 3250 हो जाएगा, कैंसिल करने का जरूरत नहीं है बिकॉज रिजल्ट यहाँ है, तो वो टर्म इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 से उसको कैंसिल करिएगा तो 4 3 = 12 और 8 13 टाइम कैंसिल होगा 13 हाँ और 0 130 × 24 जो आएगा वो आंसर यही है आंसर। हाँ रोल नंबर कितना है 73। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके।